इस पावन धरा को जो ऋषि मुनियों की भूमि है, सौर और प्राकर्म की धरती है, सम और विषम परिस्थितियों में राष्ट्रवाद के साथ हमेशा खड़ी रही है, इसको कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और दो चरणों में जो हुआ, जनता जनार्दन का पार स्नेह और आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कमल निशान पर प्राप्त हुआ है और तीसरे चरण में भी वही रुझान देखने को मिल रहा है। अभी कुछ देर पहले मैंने मालूम किया कि क्या रुझान है, पता लगा कि 45% से ऊपर मतदान हो चुका है और अभी ये सायंकाल 6 बजे तक चलेगा, तो ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की ओर जाएगी आज, और देश के अंदर 94 में से ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाकर के जो जनता की आकांक्षा है कि अब की बार 400 पार का लक्ष्य भी पूरा होगा और फिर एक बार मोदी सरकार का आपकी आकांक्षा भी पूरी होगी। बहनों और भाइयों, जब लोग पूछते हैं कि आखिर फिर एक बार मोदी सरकार ही क्यों, तो उनके सामने स्वाभाविक रूप से हम उत्तर भी इसी प्रकार का दे देते हैं कि क्या आपने बदलते हुए भारत को नहीं देखा, एक नए भारत का दर्शन जो हम कर रहे हैं, और जब हम तुलनात्मक रूप से उनके सामने आंकड़ा रखते हैं, तुलनात्मक नए भारत का चित्रण प्रस्तुत करते हैं, सबकी आंखें खुली की खुली रहती हैं और सब स्वीकार करते हैं कि जो काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है इससे पहले कभी नहीं हो पाया था। और बहनों भाइयों, आज मोदी जी के प्रति वही कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, सरदार सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए देश की जनता जनार्दन मोदी जी के साथ खड़ी है, जाति मत मजहब से ऊपर उठ करके मोदी जी के साथ खड़ी है। बहनों और भाइयों, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हम इस बदलते हुए भारत का, आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर भारत का, हम भी इसमें योगदान दे पा रहे हैं। वर्तमान पीढ़ी इस बात के लिए सौभाग्यशाली है। बहनों और भाइयों, 2014 के पहले का भारत क्या था? एक बदहाल भारत, जनता का विश्वास खो चुका भारत, गरीब भूख से मरता था, अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, नौजवान प्लान करता था, व्यापारी रंगदारी देने के लिए मजबूर होता था, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थे। बहनों और भाइयों, 2014 के बाद का भारत आज आप देख रहे होंगे, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है ना, मिल रहा है ना। अब मैं यही से बोल रहा हूं, याद करिए, भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान की कुल आबादी 23 से 24 करोड़ है, पाकिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं। अब जो लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं उनको बोलो वही हाल कर देंगे जो हाल महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद का किया था, उनको बोलो कि उस भीख मंगे पाकिस्तान का नारा लगाते हो तो जाओ वहां जाके भूखों मरो, भारत के ऊपर बोझ मत बनो। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन, 60 करोड़ लोग 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ, 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट, और अगर कोई बीमार पड़ता है, हमारा कोई सांसद, कोई विधायक, कोई पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी स्वयं मुझे पत्र लिख देता है
तो मैं उसके जनधन अकाउंट में पैसा भेज के कहता हूं जाओ उपचार करो, निश्चिंत होकर उपचार कराओ, सरकार सारा खर्चा उठाएगी। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसान किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर प्राप्त हो गया है, 4 करोड़ गरीबों के घर बन गए हैं। और बहनों और भाइयों, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंच गई है। मोदी जी ने आश्वासन दिया है अभी जितने भी गरीब के घर में रसोई गैस नहीं पहुंची है उसको रसोई गैस देंगे, जिन गरीबों के घर बनने बाकी रह गए उनके मकान भी बनाएंगे। और बहनों और भाइयों, अब तो हमने एक काम और किया है, उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। आज सुरक्षा भी है, सम्मान भी है। देखो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना, तब विस्फोट हो जाया करते थे, कहीं भी आतंकी विस्फोट होते थे, कहीं पे भी विस्फोट हो जाता था। और जब जनता जनार्दन से आवाज उठती थी, भाजपा आवाज उठाती थी कि वे आतंकवाद का मुकाबला करो, तो कांग्रेस के लोग और समाज के लोग क्या कहते थे? कहते थे तो आज सीमा पार का है। और आज आतंकवाद का समाप्त तो हुआ ही है, अगर कहीं जोर से पटाखा फट जाए ना तो बहनों और भाइयों, पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है, कहता है कि ये मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, अगर सुरक्षा और सम्मान दे रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, बहराइच में मेडिकल कॉलेज खुलेगा कोई कल्पना करता था? आज यहां पे महर्षि बालार कृषि के नाम पर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज महाराज सुहेलदेव के नाम पर आपके इसी बहराइच में खुल चुका है, बहराइच में ही मेडिकल कॉलेज होगा। आज ये लोगों के लिए पहले कल्पना थी, आज वो साकार हो चुका है। महाराज सुहेलदेव का स्मारक कितना भव्य स्मारक बना है, कभी गए आप वहां जाके देखिए उनका विजय स्तंभ महाराज सुहेलदेव का। अरे, राष्ट्र रक्षक थे और इसलिए उनका सम्मान देना ये हमारा काम है। हम महाराज सुहेलदेव का स्मारक बना रहे हैं, हम लोगों ने, हमारी सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों का निर्माण भी किया है, हम लोगों ने गरीबों के मकान भी बनाए हैं और हम लोगों ने रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त किया है। जो कांग्रेस के लिए असंभव था, जो सपा के लिए असंभव था, जो बसपा के लिए असंभव था, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उसको संभव करके दिखा दिया है, जनता जनार्दन का सम्मान बढ़ा दिया है। बहनों और भाइयों, सपा के समय नौजवानों के हाथों में तमंचे पकड़ाते थे, हमने तमंचा नहीं, हमने अपने नौजवान के हाथ में टैबलेट पकड़ा दिया, टैबलेट। अब स्मार्ट नौजवान है, उनके समय में अपराधी और माफिया जगह जगह बम विस्फोट करते थे, हमने कहा बम विस्फोट नहीं, अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे तो माफिया और अपराधी का राम नाम सत्य है कि भी यात्रा निकलेगी। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे, आज आप देख रहे होंगे यह भी हो रहा है। और मैं आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त करने के लिए आया हूं, देखो सपा और बसपा की सरकार में जगह जगह बमबाजी होती थी, आज बमबाजी नहीं है, हर हर बम बम के साथ कावड़ यात्रा निकलती है बड़े धूमधड़ाके के साथ में। समाजवादी पार्टी तो रामद्रोही है, ये लोग हमेशा भगवान राम का विरोध किए हैं, क्या रामद्रोही के साथ हम खड़े होंगे? क्या कांग्रेस के साथ खड़े होंगे जो आतंकवाद का समर्थन करती है? बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम आए हैं, देश की आवाज के साथ बहराइच की आवाज भी जुड़नी चाहिए।
सहमत हैं? सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? डॉक्टर आनंद कुमार गौड़ को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे? सभी लोग सहमत हैं? कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बना के भेजेंगे? मोदी जी का संदेशा घर घर पहुंचाएंगे? मोदी जी का संदेशा है कि 13 मई को हर व्यक्ति पहले मतदान करेगा, फिर जलपान करेगा। आप सहमत हैं? बहनों और भाइयों, आपके लिए अगले 5 दिन का समय प्रचार के लिए बचा है। 6 दिन मतदान करना है। इन 5 दिनों का उपयोग आप देश के लिए करेंगे? ये चुनाव देश के लिए लड़ा जा रहा है, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ा जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब नौजवान आत्मनिर्भर, महिलाएं आत्मनिर्भर, किसान आत्मनिर्भर, व्यापारी आत्मनिर्भर, हर नागरिक आत्मनिर्भर होगा, खुशहाल होगा, विकसित भारत का आधारशिला बनेगा। और विकसित भारत का मतलब दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत। और बहनों और भाइयों, उस भारत के लिए एक और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल है, और दूसरी तरफ भारत का विरोध करने वाले, भारत के महापुरुषों का अपमान करने वाले, प्रभु राम की सत्ता को, प्रभु कृष्ण की सत्ता को चुनौती देने वाले, गौहत्या को प्रश्रय देने वाले, आतंकवाद के समर्थक, देशद्रोहियों को गले का हार बनाने वाले कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोगों का गठबंधन है। और इसलिए बहनों और भाइयों, 13 मई को भारतीय जनता पार्टी के लिए आप सबके समर्थन की आकांक्षा करते हुए आज हम सब यहां पर आए हैं। बहनों और भाइयों, डॉक्टर आनंद कुमार को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। कमल चुनाव चिन्ह पर रिकॉर्ड वोटों से, उनके पिताजी जितने वोट से जीते थे उससे दुगने वोट से चुनाव जिता के भेजिए आप। सहमत है ना? सहमत है तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।